ईश्वर की भक्ति से किया जाता है और इसी ईश्वर की उपस्थिति हम दीप जलाकर करते हैं। सबसे पहले मैं आज इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडली के सदस्यों का उन्होंने हमें देशभक्ति के रस में डुबो दिया है। अब हम प्रतियोगिता के अगले भाग में आते हैं। Yeah।
शुभ दिन आ गया है। हमारा भारत देश नवी निंदा और संघर्ष के बाद तुम्हारे भविष्य लिए पूरा जारी जीवन और सतर्क खड़ा है। देश आजादी के बाद उनके योगदान और नाम को भुला दिया गया। उन्हीं में से एक है तारानाथ श्रीवास का, जिस अनुवादा नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसकी राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना कोई भी निर्णय लेना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ है। धन्यवाद। अभिलाषा अपने भावनाओं को प्रकट किए हैं। मैं और प्रतिभागियों के लिए और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए और जितने भी हमारे इस श्रोता मंडप में उपस्थित विद्यार्थी हैं, उन सबको धन्यवाद देती हूँ और हम सबके लिए ताली बजाएं। अब मैं नहीं भूलती हूँ कि हमको आशीर्वाद की आवश्यकता है। जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमको बड़े लोगों की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो ईश्वर की कृपा हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैं मंच पर सादर आमंत्रण देती हूँ हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापिका सिस्टर पुष्पा एल को। फ्रीडम फाइटर, ये फ्रीडम फाइटर के नाम से ही हमारे मन में जोश भर जाता है। जिनके बराबर
का दिन ठहराया और हमें अवसर दिया कि हम यह प्रतियोगिता कर सकें, संपन्न कर सकें आज के दिन। तो उनके लिए धन्यवाद स्वरूप हम जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही साथ प्रतियोगिता यदि है तो प्रतिभागियों की भी आवश्यकता है। प्रतिभागी ना हो तो प्रतियोगिता का क्या मतलब है। तो प्रतिभागियों के लिए हम तालियां बजाते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। प्रतियोगिता में हार जीत होती है और इसका निर्णय लेने के लिए कुछ निर्णायकों की बहुत जरूरत पड़ती है। आज के निर्णायक मंडली ने अपना काम बखूबी निभाया है, हम उनको सहयोग से धन्यवाद देते हैं। और प्रतिभागियों को तैयार करने के लिए क्लास टीचर्स को विशेष करके क्लास टीचर्स ने सबसे पहले तैयारी की। सबसे पहले उन्होंने तैयार किया अपने स्टूडेंट्स को और फिर एक लिस्ट तैयार हुआ जो अंतिम रूप से हमारे सामने प्रस्तुति दे सके। तो सभी टीचर्स जो प्रतिभागियों को तैयार करने में अपना सहयोग निभाए, सभी को हम पहले दिल से धन्यवाद देते